आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज मैं आपके लिए 9 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, किसे बनाया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि WTF स्पोर्ट्स ने हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेटर है और सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर है। नाम आया है WTF का, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड टेकवांडो फेडरेशन। दोस्तों, पूरे विश्व में टेकवांडो खेल को WTF रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई थी 28 मई 1973 को। इसका मुख्यालय है सियोल, जो कि दक्षिणी कोरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह है। 1 अगस्त को ही मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। उसके बाद में 3 अगस्त, तो 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 7 अगस्त, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 9 अगस्त, तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में है 20 अगस्त, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में है 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंत्री नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है। यह किन दो राज्यों के बीच चलेगी? तो दोस्तों, कौन कौन से राज्यों के बीच चलेगी? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है। यह महाराष्ट्र और बिहार राज्य के मध्य चलेगी। किसान रेल सेवा के तहत फल, फूल, सब्जी और मछली एक राज्य से दूसरे राज्य तक समय पर पहुंचाया जाएगा। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, किस स्थान पर रहा है भारत? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत 4th स्थान पर रहा है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन है। दोस्तों, 2020 में भारत 4th स्थान पर रहा है, जबकि पिछले साल 2019 में भारत 3rd स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि दादर नगर हवेली दमन दीप ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप के तहत छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। दादरा नगर हवेली दमन दीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। नाम आया है दादरा और नगर हवेली और
दमन एवं दीप का। तो दोस्तों इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल पटेल है। यहाँ के गवर्नर कौन है, अनिल बैजल है। यहाँ की राजधानी क्या है, सिलवासा है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उस पर शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि चार्ल्स क्यू ब्राउन को अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है। नाम आया है अमेरिका का, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और दोस्तों मिनेसोरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रही है। तो दोस्तों कौन से स्थान पर रही है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे स्थान पर रही है। पहले स्थान पर एप्पल रही है, दूसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और तीसरे स्थान पर सैमसंग रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आया है तो इसकी स्थापना हुई है 8 मई 1973 में। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी और इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि कली पुरी को 2020 के इम्पैक्ट वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कली पुरी इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है। यह पुरस्कार एडवर्टाइजिंग मीडिया और मार्केटिंग इंडस्ट्रीज शानदार योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 अगस्त को लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो दोस्तों कौन सी वर्षगांठ मनाई है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 5 अगस्त को लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2020 को अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके उपलक्ष में 5 अगस्त 2020 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने हैं। तो दोस्तों कौन सा बना है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला अंतर्राष्ट्रीय कप्तान इयोन मॉर्गन बना है। इयोन मॉर्गन इंग्लैंड देश के हैं। नाम आया है आईसीसी का, तो विश्व में क्रिकेट मंच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके सीईओ हैं मनु सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने अपने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो दोस्तों किस देश ने किया है, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि अमेरिका देश ने अपने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया से प्रशांत महासागर में एक लक्ष्य उड़ान पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों किसने लिखी है यह पुस्तक, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक यतीश यादव ने लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर किस देश में खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों किस देश में खोलने की घोषणा की है, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर आयरलैंड देश में खोलने की घोषणा की है। नाम आया है टिकटॉक का, तो टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, यह चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम है बाइटांस। नाम आया है आयरलैंड का, तो आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी डबलिन है, यहाँ की करेंसी यूरो है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंग्स और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारती एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों किसके साथ समझौता किया है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि भारती एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। नाम आया है भारती एयरटेल का, तो एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है, इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई थी, इसके अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं गोपाल मित्तल। नाम आया है अमेजन का, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में, इसके अध्यक्ष एंड सीईओ हैं जेफ बेजोस और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन यूएसए में। फ्रेंड्स ये थे आज के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब दोस्तों मैं इन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन भी करवाऊंगा, जिससे कि सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं और अच्छे से समझ में भी आ जाएं इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन का। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया है? तो यह 7 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है, ये किन दो राज्यों को बीच में चलेगी? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र और बिहार राज्य के बीच में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 4th स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये दादरा नगर हवेली व दमन द्वीप ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया चार्ल्स क्यू ब्राउन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2nd स्थान पर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक किसी दोस्त ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है कलीपुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 अगस्त को लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो यह पहली वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं इयोन मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने अपने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रो ए स्टोरी ऑफ इंडियाज कोवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है यतीश यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर किस देश में खोलने की घोषणा की है? तो ये आयरलैंड देश में खोलने की घोषणा की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये अमेजन के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत है।